सर्दी खांसी और बलगम वाली खांसी दोनों ही कोविड 19 के अहम लक्षण हैं। अगर आप संक्रमण से ठीक हो रहे हैं तो खांसी को ठीक करने के लिए उचित देखभाल बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा नहीं करने पर हो सकता है कि आपको लंबे समय तक ये परेशानी झेलनी पड़ जाए। इसे ठीक करने के लिए कुछ उपाय सुझाए हैं, तो आइए जानते हैं वो कौन कौन से उपाय हैं। बहुत सारा पानी पीकर खुद को हाइड्रेटेड रखें। गुनगुना पानी पीना अधिक फायदेमंद साबित हो सकता है। दिन भर शोरबा, सूप, हर्बल चाय और काढ़ा पिएं। पानी को निगलने में आसानी हो इसके लिए पानी की छोटी छोटी घूंट लें। खांसी से जल्द राहत पाने के लिए स्टीम लीजिए। एक कटोरी में गर्म पानी लेकर उसके ऊपर अपना सिर लाकर गर्मा गर्म भाप को सांस की तरह अंदर लें। आप चाहे तो स्टीम इनहेलेशन मशीन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप गीली खांसी से परेशान हैं तो फेफड़ों में जमे बलगम को हल्का करने के लिए दिन में कम से कम 3 बार भाप लें। पीठ के बल लेटने की बजाय दाईं या बाईं करवट लेकर लेटें, इससे बलगम को जल्द बाहर निकलने में मदद मिल सकती है। नींबू और शहद डालकर गर्म पानी पिएं और गले को आराम देने के लिए काढ़ा पिएं। अगर आपको खांसी आ रही है और आपके पास पीने के लिए गुनगुना पानी या काढ़ा नहीं है तो बार बार निगलने की कोशिश करें।